लेकिन जो मेरे पास कला है ना वो किसी के पास नहीं है। मैं सबका 88 आइटम पराठे का टेस्ट अलग अलग दूंगी। अच्छा, आपको पराठे को आपको भुला देना, वैसा वाला पराठा। तो मैडम के पास में हमने ऑलरेडी 1 से 2 पराठे ट्राई कर लिए हैं, तो मैडम आज हमको आप अपना है ना कुछ स्पेशल पराठा ट्राई करो। ठीक है, आज मैं आपको मेरे कार्ड का स्पेशल साईं सुजल में आपको ट्राई करवाती हूँ। साईं सुजल? हाँ, जो मेरा स्पेशल पराठा है। अच्छा, आपका स्पेशल रहने? हाँ, मेरा स्पेशल टेस्ट भी स्पेशल रहेगा और मैं आपको दिखाऊं कि वो स्पेशल क्यों है। क्या बात है, यानी ये बाद में पता चलेगा? बाद में पता चलेगा आपको। हाँ, क्या बात, थोड़ा सीक्रेट है। बने रहिए अपने साथ में कि मैडम लास्ट में आपको दिखाने वाली है कि स्पेशल क्यों रहेगा। मेरे पास 88 आइटम है पराठे में। ज्यादातर बोलते हैं कि पराठे में तो सेम ही मसाले आते हैं, सेम मसाला, सेम वेजीज, लेकिन जो मेरे पास कला है ना वो किसी के पास नहीं है। मैं सबका 88 आइटम पराठे का टेस्ट अलग अलग दूंगी। अच्छा, आपको अगर वही आएगी बट टेस्ट अलग अलग हो जाएगा? टेस्ट सबका अलग रहेगा, अभी रिमझिम और अब पिज्जा आपको लगेगा सेम है, टेस्ट में अलग दूंगी। क्या बात है, तो ठीक है मैडम, वेजी सारी ट्राई करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले आपके 1 से 2 पराठे ट्राई किए। ओके, तो इसका अगर टेस्ट अलग रहता है तो हम मान जाएंगे कि मैडम के पास पक्का श्योर। ठीक है, तो पहले तो आ गया कैबेज, गाजर, फंसी और बीट, हल्का ये शिमला, फिर आ गया ऑनियन, सॉरी, फिर आ गए जो ये घर के मसाले हैं, होममेड मसाले हैं। इसके अंदर हजीरा मोटो गरम मसाला कुछ भी यूज नहीं है। नहीं, सब घर के ही। इसके अंदर बड़े बुजुर्ग बच्चे या प्रेग्नेंट लोग को भी खाएंगे, कोई हानिकारक नहीं है। ना, सेहत के लिए बहुत ही फायदा है। हाँ, अभी इसके अंदर आएगा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक आ गया, मेरे पराठे का मसाला आ गया, इसके अंदर आ गया लहसुन का पेस्ट, जो स्वाद अनुसार ही रहेगा, ज़्यादा नहीं देंगे हम, फिर ये स्पाइसी मसाला आ गया। अभी इसके अंदर और एक चीज़ आएगी, पनीर। क्या बात है, यानी आपके पराठे में पनीर रहता ही रहता है। प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, तो इसीलिए पनीर पराठे में डालना ही चाहिए। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटा की खासियत ऐसी है ना कि इसके अंदर मैदा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है, यानी मैदा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, के बिना तो कोई पराठा बना ही नहीं पाता है। मैं बनाती हूँ ना। क्या बात है, यानी आपकी जो पराठे बना की कला है वो आटे के साथ में ही है? आटे के साथ में ही है, प्योर गेहूं का आटा। प्योर गेहूं का आटा रहेगा, प्योर। अभी हम इसको अच्छे से गोल राउंड बनाएंगे, पूरी की तरह। अभी ये राउंड हो गया। अभी जो मसाला जो मैंने रेडी किया था सुजल का, हम इसके ऊपर अंदर अच्छे से स्टफिंग रखेंगे और इसको ऐसा राउंड कर देंगे और हल्के हाथ से प्यार से इसको बेलेंगे, क्योंकि गेहूं का आटा है, फटने की शक्यता रहती है। क्या बात है, यानी गेहूं के आटे को अगर आपने सही से नहीं बनाया तो उसका जो पराठा है वो फट जाएगा। उसके बाद में जो ऑयल रहता है वो अंदर चला जाएगा। फिर कस्टमर बोलते हैं ऑयल आ रहा है, तो प्यार से ही आता है। हाँ, ऐसे ही आता है वो। आप देख सकते हो मैंने इसको इतना प्यार से बेल दिया है ना, कहीं से फटा नहीं है। ये हल्का ऑयल। अच्छा, ऑयल भी रहेगा? हाँ, ऑयल आएगा। खासियत है, मैं इसको आपको एक दिखाती हूँ। मैं अभी इसके अंदर आएगा पापड़ देखिए, नहीं मैं पराठे के अंदर देती हूँ पापड़ के अंदर। हाँ, पापड़ तो सलाद में खाया जाता है पर आप पराठे के अंदर ही पापड़ खिलाएंगे। हाँ, क्या बात है, यानी ये देखिए भाई, ये रहने वाला स्पेशल, क्योंकि आपने है ना आज तक पराठे के अंदर कभी पापड़ नहीं खाया होगा, बाहर आपको सलाद में पापड़ जरूर मिलता है। अभी ये मेरा ऑयल गर्म हो गए हैं तो पापड़ को फ्राई कर लेंगे। उसको पापड़ को पहले निकाल लेंगे हम, जो इसका जो कुछ भी ऑयल बचा हुआ होगा ना वो निकल जाएगा। तो अभी जो हमने पराठा बना लिया था उसको अभी फ्राई करेंगे? फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम सेकेंगे। अच्छा, फ्राई हाँ, रहता है वो? फ्राई रहता है वो, बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, जो पूरी की तरह फ्राई होता है ना उसको फ्राई, हम इसको सेकेंगे। सेकना बोलेंगे। तो भाई है ना, सेका जा रहा है, फ्राई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसको है ना जब डीप फ्राई होता है ना उसको बोलते हैं फ्राई करना, ये होता है सेकना। हाँ, चलो तो ये देखिए मैडम अभी उसको सेक रही है। तो ये देखिए भाई, हल्का हल्का सा गोल्डन होने चालू हो चुका है। तो ये देखिए, आपको पास से बता दूं,
अभी अपना पूरा आप देख सकते हो, पूरा ब्राउन कलर हो गया है, ना ही जला है और ना ही कच्चा है। क्या बात है, ठीक है, ना ही जला है ना ही कहीं से कच्चा है, कच्चा है, पूरा ब्राउन कलर हो गया। अभी इसको हमने प्लेट में निकाल दिया है, कटिंग करेंगे पिज्जा की तरह, ठीक है। हाँ देखिए आप, ये कट हो गया। अभी जैसे सूर्यमुखी खिला हुआ होता है ना, वैसे ही खिल जाएगा। क्या बात है, यानी सूर्यमुखी का फूल जैसे खिलता है वैसे ही। देखिए अभी पराठे को खिला रहे हैं तो ये इसको है ना अभी ओपन कर देंगे। हाँ, तो ये ओपन पराठा बोल सकते हैं इसको? नहीं 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 नहीं, इसको ओपन नहीं बोल सकते, इसको हम सूर्यमुखी की तरह खिला हुआ बोल सकते हैं। क्या बात है, यानी ये सूर्यमुखी की तरह फूल जैसे खिलता है वैसे ये भी खिल जाएगा? खिल जाएगा, नहीं खिल गया है, खिल गया है अभी हमने। हाँ, और अंदर देखिए एकदम भर भर के वेजीज भी है और अच्छे लग रहे हैं दिखने में। क्या बात है, अभी जो मैंने पापड़ फ्राई किया था ना वो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। क्या बात है, यानी ये दोनों ही पापड़ को अंदर रख देंगे और क्रॉस कर लेंगे। क्या बात है, और देखिए एकदम क्रंची। अभी इसके ऊपर आएगा चीज। क्या बात है, इसके ऊपर ही चीज आ जाएगा, चीज आ जाएगा। ये हो गया रेडी साई सुजल स्पेशल पराठा। ए मेरा रेडी हो चुका है स्पेशल साई सुजल पराठा। ये देखिए भाई अपना स्पेशल जो साई सुजल का पराठा आ गया है, और इसमें है ना भाई पापड़ आपको अंदर दिया गया है, तो भाई ट्राई करना तो बनता है, तो करते हैं ट्राई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है मैडम का स्पेशल साई सुजल पराठा। ऑलरेडी हमने 4 से 5 बार इनके पराठे ट्राई कर लिए हैं, बट मैडम ने बोला सेम मसाले और सेम चीज़ से बनाती हूँ, बट ट्राई करो इसका टेस्ट है ना वो डिफरेंट रहने वाला है। तो हम भी ट्राई करके बताते हैं कि ट्राई इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है या नहीं, तो करते हैं ट्राई। तो देखिए भाई ये रहेगा इनका, और देखिए भाई चीज़ तो एकदम भर भर के डाला, यहाँ पे कोई तरह की कंजूसाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो आपको खिलाने वाला है ना उसका मन एकदम साफ होना चाहिए, तभी आपको स्वाद आता है। तो भाई करते हैं ट्राई, ये देखिए भाई, और देखिए एकदम कलरफुल सा रहता है, तो इसको ट्राई करना बनता है इनकी स्पेशल ग्रीन चटनी के साथ में। तो ये देखिए भाई, ये रहने वाली इनकी स्पेशल ग्रीन चटनी, इसे कहते हैं पराठा। पंजाब को पराठे को आपको भुला देना, वैसा वाला पराठा। अभी तो इसकी जो मेन बाइट है ना वो लेना मैं भूल गया हूँ, तो वो भी लेते हैं, वो रहने वाली ये वाली। तो ये देखिए हाय हाय, इसमें पापड़ भी है, चीज़ भी है और इनके मसाले भी हैं। तो जो बोला गया था वो रियल में है या नहीं वो अब पता चलेगा। भाई शब्द कम पड़ जाए, ये पराठे के लिए शब्द कम पड़ जाए ना, वैसी वाली ट्राई है। और जो स्वाद है ना भाई एक नंबर, अगर 100 में से नंबर देने को बोले ना तो 100 नहीं दूंगा, 101 दूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया लग रहा है। और अभी तक आपने ये वाला पराठा ट्राई नहीं किया है, ज़रूर से कीजिए। और साथ में स्पेशल यहाँ पे रहने वाली लस्सी जो कि पंजाब की शान रहती है, तो करते हैं इसको भी ट्राई। ओहो भाई, बल्ले बल्ले करने का मन हो रहा है, क्योंकि पंजाबी लस्सी है तो एकदम स्पेशल रहने वाली है। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। मैंने आपका पराठा ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया लगा। तो Thank अगर you. ये पराठा ट्राई करना हो तो कहाँ आना रहेगा वो बता दो। एक पराठा अगर आपको ट्राई करना है तो डुमस रोड बिग बाजार की गली के अंदर आना है, 4th नंबर गेट है लेंसर आर्मी स्कूल का, वहाँ पे आपको ये गली में, एक गली के अंदर मिल जाएगा साई सुजल पराठा।